नमस्कार, आज हम एक वेस्ट प्लास्टिक बॉक्स को यूज करके बनाएंगे एक बर्ड फीडर, और इस बर्ड फीडर को हम सजाएंगे शेल क्राफ्ट और वर्ली पेंटिंग से। सबसे पहले हम प्लास्टिक बॉक्स में मार्कर की हेल्प से मार्क्स लगाएंगे और फिर इन मार्क्स को किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपास यूज किया है, इसको थोड़ा गर्म करके इजीली इसमें होल्स बना लेंगे। फिर एक पतली जूट रोप लेकर इसके दो इक्वल पीसेस कर लेंगे। इस रोप में अब हम अपने मन चाहे शेल्स को पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए फेविकॉल का मल्टीपर्पज ग्लू यूज कर रही हूँ। अगर आप शेल क्राफ्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले भी बनाई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। शेल्स को इस तरह हम दोनों रोप्स में पेस्ट कर लेंगे और वो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। रोप तैयार करने के बाद प्लास्टिक बॉक्स जिसमें हमने होल किए थे, इसमें हम एक्रेलिक कलर का यूज करके अपना मन चाहा कलर करेंगे। यहाँ मैंने ब्राउन में थोड़ा रेड कलर मिक्स करके कलर किया है ताकि हम इस बर्ड फीडर को एक अर्दन लुक दे सके। बॉक्स के ऊपर बेस कलर करने के बाद हम इसके ऊपर वर्ली पेंटिंग बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। वर्ली पेंटिंग नेचर से जुड़ी हुई एक आर्ट है। हम इसमें डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स बनाएंगे। अगर आप वर्ली पेंटिंग्स के बारे में और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले भी बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। कंप्लीट होने पर ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम शेल्स पेस्ट की हुई रोप और एक बैंगल ले लेंगे और इस तरह से रोप को होल में डालकर अंदर से नॉट लगा लेंगे। रोप के दूसरे हिस्से को बैंगल से निकालकर ऑपोजिट साइड के होल में डालकर एक नॉट लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी रोप को भी होल में डालकर तैयार कर लेंगे और कंप्लीट होने पर ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। गर्मियों में बहुत सी बर्ड्स खाने और पानी की तलाश में परेशान उड़ती हुई नजर आती हैं, और इस तरह से बर्ड फीडर बनाकर हम प्लास्टिक को तो रीयूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन बर्ड्स की हेल्प भी कर सकते हैं और इसके साथ नेचर का मजा भी ले सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।